18वीं सदी के मध्य में मैसूर के चीफ कमांडर देवराज और वित्त मंत्री नंजराज ने मैसूर के राजा चिक्का कृष्णराज से वास्तविक शक्ति अपने हाथ में ले ली थी और इस तरह नंजराज मैसूर का सर्वे सर्वा बन गया था। मैसूर का राजा नंजराज के हाथों की कठपुतली बन चुका था। इसी समय नंजराज की सेना में एक सैनिक भर्ती हुआ जिसका नाम था हैदर अली। 1749 में देवन हल्ली की लड़ाई में हैदर अली के पराक्रम को देखकर नंजराज ने हैदर अली को घुड़सवार और 200 सैनिकों का कमांडर बना दिया। 1755 में हैदर अली अपनी बहादुरी के दम पर डिंडीगुल का फौजदार बन गया। डिंडीगुल का फौजदार बनने पर हैदर अली ने एक ब्राह्मण खांडेराव को अपना सलाहकार बनाया। 1759 में जब मराठों ने मैसूर पर अटैक किया तब हैदर अली ने अपनी सूझबूझ से मैसूर की रक्षा की, जिसके बाद मराठे वापस चले गए। इसी से खुश होकर नंजराज ने हैदर अली को मैसूर का कमांडर बना दिया। मैसूर का हर बड़े से बड़ा फैसला वित्त मंत्री नंजराज करता था, जिसकी वजह से मराठा और निज़ाम बार बार मैसूर पर अटैक करते रहते थे। जब ये बात हैदर अली को पता चली तो वो श्रीरंगपत्नम वापस आ गया। खांडेराव ने राजमाता को यकीन दिलाया कि वो हैदर अली की मदद से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता का सपोर्ट मिलते ही हैदर अली ने नंजराज को ख़त्म कर दिया और 1760 में मैसूर का सुल्तान बन गया। मराठे और निजाम ने मैसूर के जिन इलाकों पर कब्जा किया था, हैदर अली ने धीरे धीरे उन इलाकों को वापस लेना शुरू कर दिया। उसने वैदनूर, मालाबार, सुंडा, सीरी और गुटी को मैसूर में मिला लिया। डेक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों को हराया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में मराठे और निजाम अंग्रेज़ों की तरफ थे। इसके बावजूद हैदर अली ने अपनी सैन्य कुशलता और पराक्रम के दम पर अंग्रेज़ों को हराया। 1767 में अंग्रेज़ों ने निजाम से एक संधि की कि बालाघाट को जीतने के बाद 7 लाख रुपए के बदले में निजाम बालाघाट की दीवानी अंग्रेज़ों को दे देगा। इस बात पर हैदर अली अंग्रेज़ों से नाराज़ था। दूसरी ओर अंग्रेज़ हैदर अली से इसलिए नाखुश थे क्योंकि हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच दोस्ती बढ़ रही थी। इसके अलावा मद्रास की ब्रिटिश प्रेसिडेंसी और कर्नाटक के नवाब के बीच मैसूर के बॉर्डर को लेकर झगड़ा चल रहा था। उत्तरी सरकार तट के इलाके को लेकर मद्रास प्रेसिडेंसी हैदर अली से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन निजाम इस इलाके पर अपना कब्जा चाहता था। इसी वजह से निजाम मराठों और हैदर से बातचीत करने की फिराक में था। इधर जैसे ही अंग्रेज़ों को इसकी जानकारी मिली, मद्रास प्रेसिडेंसी ने फौरन निजाम से उत्तरी सरकार के बदले हैदर अली के खिलाफ निजाम की मदद करने का वादा किया। इस तरह मराठे, निजाम और अंग्रेज़ों ने हैदर अली के खिलाफ एक त्रिगुट बना लिया। हैदर अली को जैसे ही मराठा, निजाम और अंग्रेज़ों के त्रिगुट के बारे में पता चला, उसने इसे ख़त्म करने का प्लान बनाया। उसने मराठों को बुलाया और 35 लाख रुपये के बदले मराठा सेना को इस त्रिगुट से अलग होने को कहा। मराठे तैयार हो गए। उसने मराठों को 18 लाख रुपए और बाकी के रुपयों के बदले में कोलार जिला देकर मराठों को वापस भेज दिया। अब सिर्फ अंग्रेज और निजाम साथ बचे थे। अंग्रेज़ों ने निजाम के साथ मैसूर पर अटैक कर दिया। हैदर अली ने अपने एक खास आदमी महफूज खान से कांटेक्ट किया। महफूज खान कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली का भाई था। महफूज खान ने निजाम को अंग्रेज़ों का साथ छोड़कर हैदर का साथ देने के लिए राजी कर लिया। निजाम अंग्रेज़ों का साथ छोड़कर हैदर अली से मिल गया। इसके बावजूद 1767 में जोसेफ स्मिथ की लीडरशिप में ब्रिटिश फ़ौज ने हैदर अली और निजाम को चंगामा घाट और त्रिनोमलाई की लड़ाई में हरा दिया। नतीजा ये हुआ कि निजाम फिर से हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेज़ों से मिल गया। एक ओर बम्बई से कर्नल वुड ने और दूसरी ओर मद्रास से स्मिथ ने मैसूर पर हमला कर दिया। 1768 की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने मैंगलोर पर कब्जा कर लिया, लेकिन हैदर अली ने फिर से मैंगलोर पर अपना अधिकार कर लिया। हैदर अली इसके बाद यहीं नहीं रुका, वो 1768 के अंत तक और भी कई इलाकों पर कब्जा करते हुए मैंगलोर से भी आगे निकल गया। अंग्रेज़ हैदर अली के इस तूफान को रोक नहीं पा रहे थे। 1769 तक हैदर अली अंग्रेज़ों की मद्रास प्रेसिडेंसी के 5 मील अंदर तक घुस चुका था। अंग्रेज़ों को लगा कि ऐसे तो हैदर पूरे मद्रास पर कब्जा कर लेगा। अंग्रेज़ों ने हैदर अली के सामने सरेंडर कर दिया और हैदर अली के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। ये संधि पूरी तरह हैदर अली के फेवर में थी।
इस ट्रीटी से अंग्रेजों की डिग्निटी को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर घुसकर संधि की शर्तें तय की थीं। इस लड़ाई ने अंग्रेजों की अजेयता को भी खत्म कर दिया था। अभी तक अंग्रेज किसी भी लड़ाई में हारे नहीं थे, लेकिन इस लड़ाई में हैदर अली ने अंग्रेजों को उनके ही इलाके में घुसकर हराया था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई मद्रास की संधि में तय हुआ था कि जब भी कोई मैसूर पर अटैक करेगा तो अंग्रेज मैसूर की मदद करेंगे, लेकिन 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने हैदर की मदद नहीं की। हैदर अली संधि की शर्तों को ना मानने की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ काउंटर अटैक करने की ताक में रहने लगा। दूसरी ओर अंग्रेजों ने निजाम से बालाघाट और गुंटूर के जिलों के बदले 7 लाख रुपये देने का समझौता किया था। अंग्रेजों ने इसे भी पूरा नहीं किया और निजाम को 7 लाख रुपये नहीं दिए। इस बात पर निजाम भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के महाराष्ट्र में बार बार हस्तक्षेप करने से मराठे भी अंग्रेजों से नाराज थे। इसलिए हैदर अली, निजाम और मराठों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिगुट बनाया। उसी समय अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हो चुका था। फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड इंग्लैंड के खिलाफ हो चुके थे, इसलिए भारत में भी फ्रांस अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली की ओर से शामिल हो गया। जब अंग्रेजों को पता चला कि फ्रांस हैदर अली, मराठा और निजाम के त्रिगुट में शामिल हो गया है, तो इसके जवाब में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस के माही पोर्ट पर हमला कर दिया। ये पोर्ट हैदर अली के राज्य में था। इसी पोर्ट से मैसूर की सेना के लिए जरूरी सामान आता था। जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक के अर्कोट पर हमला कर दिया। अर्कोट का नवाब भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा। अंग्रेजों ने कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 2 अलग अलग सेनाएं भेजीं, लेकिन हैदर अली के बेटे टीपू ने इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया। हैदर अली ने कर्नल वैली को बैटल ऑफ अरंदी में हरा दिया। ये खबर सुनते ही हेक्टर मुनरो अपनी लड़ाई का सामान तालाब में फेंक कर भाग खड़ा हुआ। इस तरह हैदर ने 1780 में अर्कोट को जीत लिया। अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि इस तरह हैदर से जीतना तो दूर, वो उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने त्रिगुट को तोड़ने की चाल चलना शुरू कर दी। हैदर, निजाम और मराठों के त्रिगुट को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर का इलाका देकर उसे हैदर से अलग कर दिया। 1782 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों ने मराठों से सालबाई की संधि की, जिससे मराठे भी हैदर से अलग हो गए। हैदर अब अकेला पड़ चुका था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। पोर्टोनोवा में भयंकर युद्ध हुआ। हैदर अली हार गया और घायल हो गया, और दिसंबर 1782 में हैदर अली की मौत हो गई। इसके बाद भी हैदर अली के बेटे टीपू ने लड़ाई जारी रखी हुई थी। 1783 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज़ को हराकर बंदी बना लिया, लेकिन इसी समय यूरोप में ट्रीटी ऑफ यूरोप साइन की गई, जिसके बाद फ्रेंच आर्मी इस युद्ध से अलग हो गई और टीपू को अंग्रेजों से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पर साइन करना पड़ा। फिर भी ये संधि टीपू के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत थी, क्योंकि एक ओर तो वो अंग्रेजों से अलग ट्रीटी साइन कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने मराठों की सर्वोच्चता को भी स्वीकार नहीं किया था। मैंगलोर की संधि लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच 1784 में हुई, जिसमें दोनों लोगों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए और कैदियों को रिहा कर दिया गया। ये संधि टीपू के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि एक ओर तो वो अंग्रेजों से अलग संधि करने में सफल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने मराठों की सर्वोच्चता को भी स्वीकार नहीं किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि की शर्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और गुस्से में चिल्ला पड़ा कि ये मैकार्टनी कैसा आदमी है, इस तरह तो वो संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। टीपू भी जानता था कि अंग्रेजों से फिर लड़ाई होगी, क्योंकि दोनों डेक्कन पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता जमाना चाहते थे। इसलिए टीपू ने फ्रांस और कुस्तुनतुनिया का सपोर्ट हासिल करने के लिए दोनों जगहों पर 1787 में अपने राजदूत भेजे। अंग्रेज इस बात पर टीपू से नाराज हो गए। अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस निजाम को गुंटूर का इलाका नहीं देना चाहता था। निजाम इस शर्त पर मान गया कि अंग्रेज उसे हैदर के द्वारा जीते गए इलाके वापस निजाम को दिलवाने में मदद करेंगे। 1789 में कॉर्नवालिस ने निजाम को पत्र लिखकर निजाम की शर्त मान ली, लेकिन अपनी भी शर्त रख दी कि
कि निजाम अंग्रेजों के मित्र राज्यों के खिलाफ किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। अंग्रेजों की मित्र राज्यों की लिस्ट में मैसूर का नाम नहीं था। इस बात पर टीपू अंग्रेजों से नाराज हो गया। 1789 में क्रेंगानोर और रायकोटा के दो किले डचों से त्रावणकोर के राजा ने खरीद लिए, जिसे टीपू खरीदना चाहता था। इसलिए टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। 1790 में कॉर्नवालिस ने खुद सेना की बागडोर संभाली और इस तरह थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो गया, जिसमें मराठा और निजाम की सेना भी अंग्रेजों के साथ आ गई। मराठा और निजाम के साथ वेलूर और बेंगलोर पर कब्जा करते हुए कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। तीनों की संयुक्त सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के किले में घेर लिया। मजबूर होकर टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए लड़ाई के हर्जाने के रूप में देने पड़े। तुरंत पैसा ना देने पर टीपू के 2 बेटों को कॉर्नवालिस ने अपने पास कैदी के तौर पर रख लिया। इस लड़ाई में निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसकी वजह से टीपू हार गया। 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना, जिसके समय में 4था एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इसलिए वेलेजली ने टीपू के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। मैसूर पर पूर्व की ओर से जनरल हैरिस और कर्नल वेलेजली ने और पश्चिम की ओर से जनरल स्टुअर्ट ने हमला कर दिया था। मराठों और निजाम का साथ छोड़कर चले जाने से टीपू अकेला हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आखिरी समय में अंग्रेजों के सामने ना झुका और ना डरा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू ने अपने आखिरी समय में कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल से बेहतर है, और आखिरी सांस तक किले के द्वार पर लड़ता रहा और किले की रक्षा करते हुए मारा गया। इस तरह अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। टीपू के परिवार को वेलोर में कैद कर दिया गया। पूरे मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कुछ इलाके निजाम को भी दे दिए गए। 4थे एंग्लो मैसूर वॉर में जीत के बाद वेलेजली ने गुमान भरे शब्दों में कहा था कि अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। इस तरह हैदर अली और टीपू सुल्तान की कहानी खत्म हो गई।